लोकसभा चुनाव 2024 का रण है, कांग्रेस की जयपुर में जनसभा आज है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी आज जयपुर आएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जयपुर आएंगे। सुबह 11:30 बजे दिल्ली से चार्टर प्लेन से जयपुर आएंगे। विद्याधर नगर स्टेडियम में सभा को संबोधित किया जाएगा। करीब दोपहर 12:30 बजे चारों नेता पहुंचेंगे सभा स्थल पर। जनसभा में जनता के बीच जारी करेंगे पार्टी का घोषणा पत्र। तो कांग्रेस का भी आज ये बड़ा कार्यक्रम रहने वाला है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इसी कड़ी में इंतजार किया जा रहा था राजस्थान में कांग्रेस के प्रचार अभियान के आगाज का, जो आज से होने जा रहा है विद्याधर नगर स्टेडियम से। बड़े दिग्गज कांग्रेस पार्टी के जयपुर में आज नजर आने वाले हैं हुंकार भरते हुए। लेकिन बड़ी बात यह है, जिस तरीके से कल घोषणा पत्र दिल्ली में जारी किया गया पार्टी की तरफ से, राजस्थान में क्या कुछ कहा जाएगा दिग्गजों की तरफ से, क्योंकि लंबे अरसे बाद सोनिया गांधी भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आने वाली हैं। बड़ी बात यह भी है कि राज्यसभा सदस्य है सोनिया गांधी बन चुकी हैं, इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में क्या विशेष रहेगा, इस पूरे कार्यक्रम पर भी हर किसी की नजर रहने वाली है, क्योंकि रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी भी पूरी टक्कर देने की कोशिश करती हुई भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन एक तरफ जीत का परचम एक बार फिर से लहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पुरजोर तरीके से कोशिश जारी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का ये मकसद है कि खाका खोला जाए, जीत का कम से कम जो दो बार सूखा पड़ा रहा, एक बार भी खाता नहीं खोल पाई कांग्रेस पार्टी। लेकिन इस बार उम्मीद ये जताई जा रही है कि कई सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, ऐसा पार्टी का मानना है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की पहली आज जयपुर में बड़ी सभा है, विद्याधर नगर स्टेडियम में होगी ये जनसभा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। तीनों सुबह 11:30 बजे के बाद पहुंचेंगे जयपुर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर तीनों का पार्टी नेता स्वागत करेंगे। प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, गहलोत, पायलट करेंगे स्वागत दिग्गजों का। एयरपोर्ट से विभिन्न वाहनों से सभी जाएंगे विद्याधर नगर स्टेडियम। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए बाकायदा डोम तैयार किए गए हैं और ये दावा किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में यहाँ जनता जुटने वाली है। पार्टी के नेता तो होंगे ही, साथ ही साथ मंच पर हर किसी की नजर रहेगी कैसे एकजुटता का संदेश कांग्रेस पार्टी यहाँ से देती हुई दिखाई देती है। 11:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे तीनों ही दिग्गज नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। हमारे सहयोगी दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। दिनेश, एक तरफ तो बेहद इसलिए हो जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, जोर शोर से मना रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंतजार किया जा रहा था कांग्रेस पार्टी के प्रचार अभियान के आगाज का, जो आज से होने जा रहा है, क्या रणनीति इसमें मानकर चले? जी देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के रण की दिग्गजों के प्रचार की बात करें तो अभी तक भाजपा इस मसले पर बहुत आगे चल रही थी। दो बार प्रधानमंत्री आ चुके हैं और आज भी पुष्कर में संभवतः उनकी सभा है। इसके अलावा जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे दिग्गज नेता राजस्थान आ चुके हैं। कांग्रेस की चाल थोड़ी यहाँ पर सुस्त थी, लेकिन कह सकते हैं कि अब बारी कांग्रेस की है। आज कांग्रेस उसकी भरपाई कर देगी। एक साथ एक मंच पर इतने बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और जनसभा को संबोधित करेंगे। आसपास के जो 7 जिले हैं, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, अलवर, भरतपुर, अजमेर और सीकर, इन जिलों से भीड़ जुटाने का टारगेट इस रैली और सभा में रखा गया है। और सभा में संबोधन के बाद तीनों ही नेता कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो कल दिल्ली में रिलीज हुआ था उसको पब्लिक मीटिंग में भी लॉन्च करेंगे, ताकि उसको गहराई से विस्तार से बता सके कि किस तरह हमने वादे किए हैं जब सरकार हमारी बनेगी। और एक खास बात है कि सोनिया गांधी ने खुद प्रचार की कमान अपने हाथों में ले ली है और राजस्थान से ही वो चुनावी प्रचार का आगाज करने जा रही है। और 2024 के चुनाव में सोनिया गांधी की ये पहली पब्लिक मीटिंग होगी। तो इसकी वजह है क्योंकि एक तो वो राजस्थान से हाल ही में राज्यसभा सांसद है, वो चुनी गई है और लगातार सभी सीटों पर खाता नहीं खोल पा रही कांग्रेस पार्टी। तो यह भी एक वजह होगी कि उन्होंने मरुधरा को चुनावी कैंपेन के लिए चुना है। पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, छोटी काशी से आज सियासी चुनावी सभा का सोनिया गांधी आगाज करेगी। तीनों के ही संबोधन और भाषण पर सबकी नजरें रहेगी कि क्या खास बात वो कहते हैं, क्या मैसेज राजस्थान के मतदाताओं, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और कार्यकर्ताओं को लेकर जाते हैं। तो जोरदार भीड़ जुटने का दावा किया है, दावों में कितना दम है ये भीड़ आती है तब देखा जाएगा।
करीब 11:30 से दोपहर 12 बजे तक ये तीनों नेता चार्टर प्लेन से पहले जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पार्टी के सीनियर लीडर राजस्थानी परंपरा के तहत उनकी अगवानी करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद विभिन्न व्हीकल्स के जरिए ये विद्याधरनगर स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां उनका पहले स्वागत होगा और फिर भाषणों का दौर जारी रहेगा। बिल्कुल दिनेश, और यहाँ पर हर किसी के संबोधन पर बेहद अहम सभी का संबोधन रहने वाला है, नजर भी रहेगी कि क्या मुख्य तौर पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ये घेरने वाले हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।